Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, Barabanki, Uttar Pradesh. देखिए आजकल क्या होता है कि जब थोड़ी सी उम्र हो जाती है, थोड़ी सी है ना एज ज़्यादा होने लगती है तो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होने लगती है. जनरली ये बिल्कुल कॉमन सी बात है. उनके अंदर जो जनरल वीकनेस होती है वो तो होती ही है, साथ में उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो अपने अंदर कमज़ोरी और वीकनेस महसूस करने लगते हैं. फिर क्या करते हैं कि वो लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, खाने पीने पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए और वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने लगते हैं, है ना, खाने पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं. जिसके नतीजे में क्या होता है कि जिस तरीके से उनके अंदर बॉडी वीक होती चली जाती है, जैसे उनके दूसरे ऑर्गन्स वीक होते हैं, सेम इसी तरीके से उनके जो इंटेस्टाइन होती हैं वो भी कमज़ोर होने लगती हैं, जो आंतें होती हैं वो भी कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके नतीजे में उनका डाइजेशन भी स्लो होने लगता है, इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती चीज़ें. तो जितने ज़्यादा वो ताकत की चीज़ें खाते हैं उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर डाइजेशन की कमी होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और उनके अंदर जो है पेट ख़राब होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को पाई जाती है. तो फिर क्या होगा, अब जाहिर सी बात है आप खा तो रहे हैं, ज़्यादा खाने की चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आपके अंदर डाइजेशन सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज़ की शिकायत हो रही है और जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं, तो क्या होगा, जो आप खा रहे हैं क्या वो चीज़ें आपके जिस्म में असर करेंगी? बिल्कुल भी असर नहीं करेंगी. और जिसके नतीजे में आप खाने पे फोकस कर रहे हैं और वीकनेस और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन है, देखने को पाया जा रहा है. तो देखिए, खाना पीना जो आपका रेगुलर चल रहा है, जैसे आप खाते पीते हैं सेम उसी तरीके से खाइए. एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ऐसे डायरेक्टली खाने मत लगिए जब वीकनेस आपको स्पेशली हो रही है, है ना, जब आपके अंदर कमज़ोरी आ गई है तब की हम बात कर रहे हैं. तब ऐसी सिचुएशन में आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करिए और साथ में हम आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड कर दे रहे हैं कि आप इनको परमानेंटली शामिल कर लीजिए. 45 प्लस की एज में अगर आप आ चुके हैं तो आप ये मेडिसिन जो है परमानेंटली खाइए, कोई दिक्कत नहीं है. ये हर्बल दवाएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इनका किसी तरीके से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप डेली बेसिस पे इनको खा सकते हैं. खाते रहिए, इंशाल्लाह आपके अंदर जो एनर्जी की कमी महसूस कर रहे हैं आप, जो कमज़ोरियाँ महसूस कर रहे हैं आप, ये सारी कमज़ोरियाँ और ये सारी वीकनेसेस ख़त्म होती चली जाएंगी. आपके अंदर एक्टिवनेस आने लगेगी, एनर्जी फील होने लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ हम पहले जैसे बिल्कुल जवान हो गए हैं. ये चीज़ फील होती है और पेशेंट इस तरह की बातें करते हैं जब हम उनको ये चीज़ें रिकमेंड करते हैं. बहुत मरतबा क्या होता है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता है, आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एज जैसी जैसी बढ़ती जाती है उसी तरीके से ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत मरतबा बढ़ती चली जाती हैं और उसी तरीके से टेंशंस बहुत ज़्यादा होती चली जाती हैं. बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जिस तरीके से उम्र बढ़ती चली जाती है उसी के साथ साथ आपकी जो टेंशंस हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं, जिसके नतीजे में आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपके अंदर आने लगता है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहने लगता है, सुस्ती, काहली, थकान. इवन बहुत पेशेंट ये कहते हैं कि हमारे अंदर लॉस ऑफ लिबिडो हो गया है, कुछ ख्वाहिश ही नहीं है, कुछ करने का मन ही नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन हो जाया करती है. तो आप लोगों के लिए जो है हम बता दे रहे हैं दो मेडिसिन, ये कैप्सूल के फॉर्म में है, इजीली आप खा सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है. एक है कि रेड हॉर्स कैप्सूल, है ना, हिमक्योर कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, इनका है रेड हॉर्स कैप्सूल. ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हमने देखा है ऐसे लोगों में. तो आप इसको सुबह शाम एक एक कैप्सूल डेली बेसिस पे ज़रूर खाएंगे. दूसरा है मल्टीविटामिन यूनानी आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, इसमें यूनानी की जो दवाएँ हैं वो इसके अंदर शामिल हैं और ये हम काफ़ी टाइम से अपने पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हमने देखे हैं. ये है मेडिको हर्ब का विंटॉक्स कैप्सूल. विंटॉक्स कैप्सूल भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हमने ऐसे पेशेंट में देखा है. बहुत सारे पेशेंट ने अभी रिसेंटली ये चीज़ें रिक्वेस्ट की हैं हमसे कि हम लोगों के लिए कुछ बताइए जो एज ग्रुप में हैं तो वो क्या करें. तो देखिए, 45 प्लस एज में जाने के बाद आप लोगों को इस तरह की मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा साथ में आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी ज़रूर लेंगे. शेलकॉल काफ़ी अच्छा माना जाता है, आप वो ले सकते हैं. और अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं, हर्बल की तरफ आना चाहते हैं,
चाहते हैं तो हमदर्द का मिंडोज़ा टैबलेट्स आती हैं, हमदर्द की जो है मिंडोज़ा टैबलेट्स आप उनका इस्तेमाल करिए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किसी तरह का उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने वाला है। तो ये जो मेडिसिन हमने बताई हैं आपको, आप इनको विदाउट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये देख सकते हैं आप हमारे पास है, ये है हिमक्योर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये उनका है रेड हॉर्स कैप्सूल। ये रेड हॉर्स कैप्सूल शामिल कर लीजिए सुबह शाम एक एक कैप्सूल, आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं ना बिल्कुल अलग दिखेंगे आप, सभी लोगों में सबसे ज़्यादा एक्टिव आप दिखेंगे, सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा दिमाग चलने वाला आपका होगा और काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी स्टैमिना रहेगी, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी रहेगी आपके अंदर, है ना। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे साथ में, सिर्फ एनर्जी ऐसे ही नहीं, आपके जो बॉडी में वीकनेसेस हैं, जो कमज़ोरियां हैं, जो वाटर ऑर्गन्स आपके कमज़ोर और वीक हो गए हैं, उनको स्टेमिना एनर्जी, उनको ताकत पहुंचाने के लिए और उनकी जो वीकनेसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये है विंटॉक्स कैप्सूल जिसके बारे में हमने आपको बताया था, ये है मेडिको का, मेडिको की ही ब्रांच है, ग्रीन हेल्थ केयर उनका है ये, तो आप इसका भी इस्तेमाल करिए साथ में। और मिंडोज़ा टैबलेट जो हमने बताए हमदर्द के, आप उनका भी इस्तेमाल करिए। मिंडोज़ा ऐसे शीशी आती है उनकी, है ना, डिब्बी होती है, उसके अंदर टैबलेट्स होती हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिंडोज़ा नहीं मिल रहा है आपके यहाँ तो शेलकाल जो विटामिन डी 3 है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए साथ में। आपको बहुत सारे पेशेंट को जब हम लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए बोलते हैं तो कहते हैं हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हो नहीं पाता, क्या करें, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, चलने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप 10 दिन इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, 10 दिन के बाद देखेंगे आप खुद ही सारी चीज़ों को फॉलो करने लगेंगे। आपकी बॉडी में जब स्टैमिना एनर्जी आ जाएगा ना तो आप खुद ही घर पर नहीं रुक पाएंगे, आप कहेंगे नहीं अब मुझे बाहर निकलना है, अब मुझे काम करना है, अब मुझे जो डॉक्टर साहब ने बताया है उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो आपके अंदर खुद ही जब एनर्जी स्टैमिना सारी चीज़ें होने लगेंगी, बिल्डअप हो जाएगी, तो आप खुद ही सारी चीज़ों को फॉलो करने लगेंगे और आपके अंदर नॉर्मली नेचुरली सारी चीज़ें जो है होने लगेंगी और आप बिल्कुल डिफरेंट होंगे लोगों से, लोगों के अंदर जो वीकनेसेस हैं तो उस तरीके से आपके अंदर नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, और आप बिल्कुल नॉर्मली जैसे फंक्शन पहले करते थे वैसे ही बिल्कुल करने लगेंगे। तो अगर 45 प्लस एज है आपकी और आपके अंदर वीकनेसेस आ चुकी हैं तब भी आप इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर वीकनेसेस अभी नहीं है, अभी आपको लगता है कि नहीं हम तो ठीक हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस के तौर पे आप इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करिए ताकि आपके अंदर वीकनेसेस आने ना पाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल लोगों के अंदर, ये वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ इस तरीके से आपको घेर लेती हैं, फिर आप बहुत परेशान होते हैं और सही से फिर उनका सही से हो नहीं पाता ट्रीटमेंट, है ना। जितनी ज़्यादा वीकनेसेस, जितना ज़्यादा हार्मोनल इंबैलेंस आपके अंदर होता चला जाता है, फिर आप लास्ट में जाकर के बिस्तर पर ही पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ से बचिए, कोशिश करिए कि आप एक्टिव रहें लास्ट टाइम तक, बिल्कुल एनर्जेटिक रहें, आपके अंदर किसी तरह की कोई कमज़ोरी ना आने पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में डिलीवर करने की हमने कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी और आप लोगों को ज़रूर आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस वीडियो में, इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।